कभी तुमने सोचा है कि अगर ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाए प्लैनेट अर्थ से और किसी एक ऑर्गेनिज्म को ह्यूमंस को रिप्लेस करना हो इन टर्म्स ऑफ नेचर को कंट्रोल करने के, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के और बाकी एनिमल्स को डोमिनेट करने में, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? इसी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे द मामोस्ते के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना एक भी सेकेंड स्किप करे। ह्यूमंस और एनिमल्स में फंडामेंटल लेवल्स पर अगर देखें जनरलाइज करके, तो एक डिफरेंस बहुत ऑब्वियस है, अपीयरेंस। वो चार पैरों पे चलते हैं, हम दो पैरों पे। उनके पास टेल होती है, पूंछ, और सींग होती है, और कुछ ऐसे ही डिफरेंस जो उन्हें नॉन ह्यूमन एनिमल्स बनाता है। हम लोग तो देखो होमो सेपियंस है, और नॉन ह्यूमन एनिमल्स में रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, फिश सब कुछ आ जाते हैं। यहाँ हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस, क्योंकि इन दी एंड गेम इसी का है। अब जो पावरफुल है वो तो वीक को एलिमिनेट कर ही देगा। अगर वीक एलिमिनेट नहीं भी हुआ पावरफुल के थ्रू, तो नेचर ही ख़त्म कर देगा उसे, क्योंकि सर्वाइव तो फिट ही करेगा फिजिकल सेंस में। लेकिन सर्वाइव करने के लिए और वर्ल्ड को रूल करने के लिए, क्या ये रूल सही में एप्लीकेबल है? नॉट कम्प्लीटली। अब हमें सर्वाइव करने के लिए ब्रेन का भी यूज करना पड़ता है, मेंटली फिट होना होता है, बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं, जैसे कि डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, इसके अलावा मोरालिटी, फेथ एक्सेट्रा, ये सभी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जो कि इसी ब्रेन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। पहले इंटेलिजेंस की बात करता हूँ। इंटेलिजेंस एक फंक्शन है जो सभी ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी लेवल पर है। ह्यूमन इंटेलिजेंट है, एनिमल इंटेलिजेंस में भी बहुत रिसर्च हो रही है। इंटेलिजेंस का फंक्शन प्राइमरीली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये डेफिनेशन भी वैसे ह्यूमन ने ही दी है। हम ह्यूमंस के दिए हुए डेफिनेशन से देखते हैं कि एनिमल्स के पास ये है या नहीं है, या कितना किस फॉर्म में है। हमारे अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस एज अ स्पीशीज तो बहुत इंटेलिजेंट है। हमें कहीं भी प्रॉब्लम दिखती है, हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। जल्दी ट्रैवल करना था तो व्हील बना लिए, डार्कनेस लगी तो बल्ब बना लिया, कोई भी पजल दे दो सॉल्व कर लेंगे। पर प्रॉब्लम सॉल्व करने का फीचर सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है। एक क्रो को पता होता है कि अगर मटके में पानी कम है तो पास में से पत्थर उठा के डालने से पानी का एग्जिस्टिंग लेवल राइज हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टडीज से हमें पता चलता है कि एनिमल्स प्रॉब्लम्स पजल्स सॉल्व कर सकते हैं। एनिमल्स भी इंटेलिजेंट होते हैं। ह्यूमंस देखो प्रॉब्लम तो सॉल्व करता ही है, लेकिन साथ साथ में कम्युनिकेट और डॉक्यूमेंट भी करता है दूसरे ह्यूमंस या नेक्स्ट जनरेशंस के लिए। प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग्स में हमें हंटिंग के सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसपे स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि या तो लोगों ने ये डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से बनाया होगा, ताकि दूसरे लोग भी उससे सीखे कि कैसे कुछ डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करके उन्होंने स्पेशल हंट किया, या फिर ऐसे ही टाइम पास के तौर पे खुद को अच्छा फील कराने के लिए कि वाह क्या बढ़िया हंट किया था करके। आर्ट की शुरुआत की कहानी कुछ ऐसी ही है। अब कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी शायद एक क्रो में नहीं है वैसे जैसे हम समझते हैं, बट बीज कम्युनिकेट करते हैं स्पेशल पैटर्न में मूव करके, फूड का लोकेशन या थ्रेट का इंफॉर्मेशन अपने फेलो बीज को देने के लिए। हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। पैरट्स को थोड़ा ट्रेन कर दो तो वो ह्यूमन लैंग्वेज को भी मिमिक कर लेते हैं। तो देख रहे हो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो पजल है उसके पीसेज हमें बाकी अलग अलग एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं, या इसका उल्टा भी कह सकते हो कि एनिमल्स के ट्रेट्स ह्यूमंस में मिल जाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम, एफर्ट्स कौवे की तरह होने चाहिए, जैसे अभी हमने डिस्कस करा मटके वाले रेफरेंस में। बको ध्यानम मतलब फोकस बगुले की तरह होना चाहिए, बगुले बहुत फोकस्ड रहते हैं जब वो फिशिंग करते हैं। स्वान निंद्रा तथैव च, नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए, हमेशा अलर्ट। अल्पहारी गृह त्यागी मतलब कम खाना खाना और ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर बिताना। तो एक स्टूडेंट के ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिसमें से तीन एनिमल्स से इंस्पायर्ड है। इंटेलिजेंस के लेवल पे जाएं तो मानना हम यही चाहेंगे कि हम सुपीरियर हैं नॉन ह्यूमन एनिमल्स से। देखो है तो हम भी एनिमल्स ही, लेकिन हम अपने ब्रेन को जैसे यूज करते हैं वैसे नॉन ह्यूमन एनिमल्स नहीं करते हैं, एटलीस्ट सारे एस्पेक्ट्स में तो नहीं। अब आते हैं कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस एक मेटाफिजिकल एंटिटी है। कॉन्शियसनेस को सोल, माइंड, स्पिरिट बोल के भी समझा जा सकता है। कॉन्शियसनेस बेसिकली एक अवेयरनेस है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं अवेयर हूँ अपने सराउंडिंग से। मैं चीज़ों को परसीव करता हूँ, उनके बारे में फील करता हूँ और एक्सप्रेस करता हूँ अपने एक्सपीरियंस और रैशनल माइंड के बेसिस पे। कॉन्शियसनेस अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। फिलहाल के लिए ये समझो कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पार्ट है अवेयरनेस, कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं मर जाऊँगा एक दिन।
सब लोग मर जाएंगे और डेथ ही है अल्टीमेट रियलिटी फिजिकल बॉडी का। तो एटलीस्ट सोल की डेथ होती है या नहीं ये तुम डिसाइड करो और कमेंट करके बताओ। हमने तो देखो कॉन्शियसनेस को अपने कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया, पर एनिमल्स का क्या? एनिमल्स इंटेलिजेंट तो होते हैं ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया, पर क्या वो कॉन्शियस भी होते हैं? एनिमल कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा। हमें ये एक्नॉलेज करना होगा कि इट्स नॉट अबाउट ह्यूमंस वर्सेज एनिमल्स, क्योंकि जब हम एनिमल्स बोल रहे हैं तो एज एन ऑर्गेनिज्म हम बड़े कन्वीनियंटली खुद को एनिमल्स से अलग कर ले रहे हैं और बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स को एक कंपार्टमेंट में रख के सोच रहे हैं कि ये एनिमल्स हैं। एनिमल्स कैसे सोचते हैं? इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। देखो सोचते सभी एनिमल्स हैं, लेकिन सबका थिंकिंग अलग अलग होता है। एक डॉग जैसे चीजों को परसीव करके एक्सपीरियंस करता है, एक कैट शायद वैसे नहीं करती है। मैं भी कॉन्शियसनेस या इंटेलिजेंस के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमंस में भी सभी ह्यूमंस के लेवल ऑफ थिंकिंग या इंटेलिजेंस ये भी सेम नहीं है। इंटेलिजेंस भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि एनिमल्स कैसे सोचते हैं, उनके कॉन्शियसनेस का नेचर क्या है, क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस के लिए एप्लीकेबल है, या जो वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है एनिमल कैटेगरी में उनमें से कुछ के पास कॉन्शियसनेस है और कुछ के पास नहीं है, या सबका नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस अलग है। मे बी हमें एनिमल कॉन्शियसनेस टर्म ऑल टुगेदर यूज करना ही छोड़ देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट करके बताओ। अगर ह्यूमंस के बनाए हुए पर्सपेक्टिव से ही वर्ल्ड को देखना है तो वही एनिमल ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, जिसमें ह्यूमंस के डिफाइनिंग ट्रेट्स हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना जानता हो जो उनके और उनकी कम्युनिटी को हेल्प करे। कॉन्शियसनेस इफ नॉट ह्यूमन लाइक देन एटलीस्ट किसी तरह का, किसी फॉर्म का कॉन्शियसनेस तो होल्ड करें। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल द मामोस्ते को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ऐसे ही वीडियोस के और नोटिफिकेशन के लिए।